सी ऑप्शन सही है। चलो वीडियो पॉज करो और खुद सॉल्व करने की कोशिश करो तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपसे प्रॉब्लम होगा। और देखो कहाँ कमी है, कहाँ पे कमी आ रहा है, उस चीज़ को समझने की कोशिश करो। अब चलो एक मेटालिक कंडक्टर है जो नॉन यूनिफॉर्म है, चलो एक नॉन यूनिफॉर्म मेटालिक कंडक्टर बना लेते हैं। ये मेरा फेवरेट है नॉन यूनिफॉर्म, ये मेरा सबसे सुंदर है, मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, ये एक नॉन मेटालिक क्रॉस सेक्शन है और इसमें मैं करंट फ्लो करा रहा हूँ। लेट अस सपोज करंट इज फ्लोइंग इन दिस क्रॉस सेक्शन, करंट आई। तो कहता है क्रॉस सेक्शन नॉन यूनिफॉर्म पोटेंशियल डिफरेंस क्वांटिटी विच रिमेन्स कॉन्स्टेंट अलोंग द कंडक्टर। कौन सी क्वांटिटी इस कंडक्टर के अराउंड कॉन्स्टेंट रहेगी? ठीक है, तो हम सबको पता है कि जो करंट होती है वो क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड नहीं करती। इसका क्रॉस सेक्शन ए वन है, इसका क्रॉस सेक्शन ए टू है, तो ए वन इज लेस देन ए टू और करंट आई वन बराबर आई टू। अगर यहाँ पे करंट आई वन है और इस क्रॉस सेक्शन में करंट आई टू है तो जो करंट आई वन है वो आई टू होना भी चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से करंट आई इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी है सेम टाइम इंटरवल में। ठीक है, तो डी क्यू ओवर डी टी है तो करंट आई वन इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज लॉ मतलब सेम होना चाहिए ना, सेम अमाउंट सेम टाइम में यहाँ से और यहाँ से। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वायलेट नहीं होना चाहिए ना, यहाँ से 10 कूलाम भेजा उधर 5 कूलाम ही गया है उस क्रॉस सेक्शन, ऐसे थोड़ी होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वायलेट हो जाएगा और जो कि फिजिक्स का फंडामेंटल लॉ है उसको गलत कर दोगे तो बड़का वाला नोबेल प्राइज पाओगे। ठीक है, तो ये यहाँ से जितना चार्ज भेजे थे उतना चार्ज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होल्ड होगा तो करंट की वैल्यू सेम होगी। बट और भी तो करंट की वैल्यू सेम होगी, एरिया ऑफ ग्राउंड करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में एक रिलेशन है आई इज इक्वल टू ए एन ई वी डी, रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आई क्या है, करंट है, ए एरिया क्रॉस सेक्शन है, एन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है और ई इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। तो यहाँ से अगर तुम देखोगे तो ए इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, मतलब एरिया क्रॉस सेक्शन जिसका ज़्यादा है वहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी, तो इसका मतलब ये हुआ ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी वन फर्स्ट की इज ग्रेटर देन वी डी टू, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी। ए ऑप्शन गलत है। करंट डेंसिटी बात कर लेते हैं, करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट डेंसिटी करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया को एक वेक्टर क्वांटिटी जे से डिनोट करते हैं, करंट डेंसिटी करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। बेसिकली तो अब करंट तो सेम है तो जे इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया क्रॉस सेक्शन, मतलब जे वन इज ग्रेटर देन जे टू। ठीक है, यहाँ पे करंट डेंसिटी ज़्यादा होगी या ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, चलो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जे इज इक्वल टू सिग्मा ई करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन है। तो अगर सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी है जो कि कांस्टेंट है, तो जे और ई में डायरेक्ट रिलेशन हो गया, मतलब ई वन इज ग्रेटर देन ई टू, तो ये वाली चीज। तो ये सारे वेरिएबल हमने इंडिकेट कर दिए, तो फाइनली वी गॉट द सोल्यूशन दैट करंट विल रिमेन्स सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिफरेंट, करंट डेंसिटी विल डिफरेंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल डिफरेंट। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा।